सिखा इनको। चलो टाइप नंबर 7 युग्म पता करना। युग्म, अभी युग्म क्या हो, पेर पता करना, पेर याद करना, युग्म पता करना। कैसा सवाल आगा देख लो, अल्फाबेट की क्लास नंबर 3 हमारी है, टाइप बदल गया, युग्म पता करना। क्वेश्चन नंबर 1 कैसा क्वेश्चन आगा, किस तरह इसका उत्तर देना। प्रश्न लिखो, शब्द 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 है दर्द है, ये तो लिखा शब्द COUN, सब बड़े वाले अक्षर, COUNTERACT, सी टी। कॉन्ट्रैक्ट में अक्षरों के कितने जोड़े हैं, में अक्षरों के कितने जोड़े हैं, ऐसे सवाल आते हैं, अक्षरों के कितने जोड़े हैं, कि कितने जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं, लिख दिया, कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं, जितने जिनमें, ऐसे लिखना, जिनमें प्रत्येक के बीच, जिनमें प्रत्येक के बीच, जिनमें प्रत्येक के बीच, प्रत्येक के बीच, पहले लिख लो, समझा रहा हूँ पूरा, प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं, उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है, अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है, ऐसा सवाल आओ बताओ, में उनके बीच है। अब बच्चा कंफ्यूज है सवाल को देख, आंसर आंसर का चार ऑप्शन देख रखा है, पहला ऑप्शन में लिख रखा है कोई नहीं, तू मेरा कोई नहीं लगे, दूसरा ऑप्शन एक, तीसरा ऑप्शन दो, चौथा ऑप्शन तीन, पांचवा ऑप्शन खंबा, नमस्कार, तो कुछ नहीं है ये सवाल कैसे, पहले एक सवाल समझ लो, फिर उसके जैसे करके दिखाने सवाल, समझो क्या कह रहा है सवाल, ABCD अगर याद होगी ना अच्छी तरह तो आराम से कर लोगे फटाफट, जिस पर जिन्हें कुछ पीछा कुछ भी नहीं पड़ा वो पकड़ लगा सर, कर लो देखो कैसे करोगे। जो जो ये एक शब्द के जागा के लिस्म नु कह रहा है, इसके अक्षरों के जोड़े बनाने, जोड़े कैसे बनाए जा, और जोड़े कैसे बनाए जाएंगे वो देखेंगे, प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में है, आराम से समझो, पहले जो शब्द है ना देखो, यहाँ शब्द इसे ध्यान से समझो, आंसर कैसे करना, कहना चाहिए चाह रहा, COU पहले शब्द को लिख दिया मैंने, COUNTERACT, सेम सवाल यही आगे लिखा हुआ, ये ऑप्शन आगे, इनमें एक कोई उत्तर है, जोड़े बनाने मुझे, तो मुझे मेरे ABCD आदि है, तो मैं ABCD बाद सी तो चलूंगा और पूरे में जाऊंगा यहाँ तक, टोटल सी के बाद क्या हुआ, सी के बाद DEFGHIJKL, सी का किसी के साथ जोड़ा नहीं बनना, कुछ भी नहीं आया, ऐसा कोई भी शब्द नहीं आया जो सी के बाद आता हो, करेक्ट मिला कुछ तुम्हें, देखो सी के बाद क्या हुआ, ABC, सी के बाद DEF तो नहीं आया, GHIJKL कुछ नहीं आया, ओ के बाद है, चलो ओ के बाद देखेंगे उसका सेम वर्ड आ रहा है बिल्कुल, ओ के बाद PQRSTUVW, इसका बीच को जोड़ा नंबर ना, उसके बाद यू पे चलो, यू के STUUVWXYZ, जेड के बाद नहीं चलना, जेड के बाद बिल्कुल नहीं चलना, बस वहीं के वहीं छोड़ देना, उसके बाद आ जाओ एन पर, KLMNOMNOPQRR, जो एक जोड़ा बन गया, देखो इसके बीच में इतने अक्षर है जितने एन आर के बीच में दो ही अक्षर हो भाई, देखो अगर तुम ABCD लिखने बैठोगे, ABCD लिखने बैठोगे तो लिखोगे KLMNNOPQ, अच्छा क्यों आएगा RST, हाँ तो देखो एन और टी का बन गया जोड़ा, आया समझ में, एन का टी का जोड़ा बन गया, अगर तुम ABCD लिखने बैठ जाओ तो ABCD लिखोगे तुम, एन के बीच में कौन कौन सा आगा, देखो KLMNOPQRST, यहाँ एन के टी के बीच में नंबर काउंट करो कितने, या सीधे तो सीधे ABCD 5, तो यहाँ भी देखो कितने एन के टी के, 1, 2, 3, 4, 5, तो एक तो एन का जोड़ा बना, एक टी का जोड़ा बन गया, एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया, युग्म पता करना, युग्म का मतलब जोड़ा ही हो, पेयर इसे बोल लो, इंग्लिश में से पेयर बोल लो, हिंदी में जोड़ा बोल लो या युग्म बोल लो, तो जोड़ा बनाना, एक तो एन का टी का जोड़ा बन गया, समझ आई बात, या उन्होंने कहा था देखो यहाँ
नुगरा अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो एन के और टी के बीच में उतने अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होगा, भले ही अलग अलग उसका मतलब नहीं है, लेकिन एन का टी का जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बना, मुझे एक जोड़ा मिलेगा। कौन सा जोड़ा मिला है? एन टी का, एक ही जोड़ा मिला है। अभी देखेंगे और भी चेक करेंगे, अभी तो इधर तक चेक करें, फिर उधर तक भी चेक करेंगे, अभी तो इधर तक चेक कर रहे हैं फिर उधर तक भी चेक करेंगे। चलो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई छोड़ दो, उसके बाद ई एफ जी एच आई छोड़ दो, आर एस टी, आर आर के बाद एस टी है नहीं, ए के बाद बी सी यू भी नहीं है, उसके बाद सी टी है, इधर तक चलना स्टार्ट कर दो। अच्छा इधर तक चलना स्टार्ट कर दो, अभी तो इधर तक तुमने सारा देख लिया, कहीं तुम्हें एक ही जोड़ा मिला दूंगा, एन के ओ टी का जोड़ा मिला दूंगा, आया समझ में? अभी इधर तो चलना स्टार्ट करो और जहां जाए जाएगा वहां छोड़ दे बिल्कुल। चलो एस टी टी के बाद क्या होगा? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड छोड़ दो, इसे छोड़ दो, टी को छोड़ दो, सी पर ए बी सी, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के छोड़ दो, ये भी गया, उसके बाद ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच छोड़ दो, उसके बाद इसके बाद आ जाओ उस पर, बोलो आर एस टी, आर एस टी, आर टी का जोड़ा बन गया बेटे, मजा आ गया बे, आर टी सही है, तो आर का टी का जोड़ा बन गया। आगे चलो आर एस टी, आगे देखें क्या आर के साथ और किसी जोड़ा बनना हो, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बनना आर का जोड़ा, अब जाओ ई का, ई एफ जी एच आई जे ये भी नहीं बनना, उसके बाद टी के जाओ, टी के बाद एस टी टी यू वी डब्ल्यू, समझ रहे ना, सी ओ यू यू क्या है पता, अरे एस टी यू वी, तो यहाँ वी बैठ रहा है, यूनियन जोड़ा नहीं बनना, यू वी डब्ल्यू, उसके बाद एन पा जाओ, के एल एम एन, समझ गए ना तुम, एन ओ पी क्यू बन नहीं रहा, यू क्या बैठेगा, यू ही तो, यू वी डब्ल्यू बन नहीं रहा, इसके साथ नहीं बनना, इसके साथ नहीं बनना, कितने जोड़े बने? केवल दो ही जोड़े बन पाए, तो आंसर कितना होगा? ऐसा आंसर होगा, ऐसे जोड़े चेक करने पड़ेंगे, हमें कैसे पता लगा? प्रैक्टिस, हमें कैसे पता लगेगा? प्रैक्टिस, किसका खेल है? प्रैक्टिस का। कितने सवाल हो गए थे कल? 50 हो गए थे ना, 60, 61, इस चैप्टर का 61 वां सवाल है, इस चैप्टर का 61 वां सवाल, मैं यहां शब्द बदलूंगा अभी जा, और तुम उसमें बताने कितने जोड़े होंगे, जल्दी फटाफट चलो उतारो, हेलो चल चल। नेक्स्ट क्वेश्चन ही करके दिखाना, 61 के बाद 62वां क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, पी आर ई एस ई एन टी, प्रेजेंट में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उतने अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है, करो, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, करो, मैं इंतजार करूंगा, इंतजार तेरा सदियों से कर... देख लो क्या था, पी आर ई एस ई एन टी प्रेजेंट, पी के बाद पी क्यू आर एस, एक तो पी एस जोड़ा बन गया, एस टी यू वी छोड़ दो, उसके बाद आर को आ जाओ, आर एस टी यू वी डब्ल्यू छोड़ दो, ई के बाद ई एफ जी एच आई जे छोड़ दो, एस टी यू वी डब्ल्यू ई एफ जी एच आई, उसके बाद इधर तो चलो T S T U V W X Y Z, उसके बाद N K L M N M N O P Q R N R, दो जोड़े बनेंगे, उसके बाद E F G नहीं बनने का, S T U V नहीं बनने का, कहीं भी नहीं बनने का, बस दो जोड़े बनेंगे, आंसर यही होगा, सही है। एक और वर्ड देने जा रहा हूँ, सिर्फ देख लेना, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 इसे भी करो, करो, यू एन यू एन एस यू एन एस आई आई जी एच टी एल वाई, इसे बताओ कितने अक्षर होंगे, कितने जोड़े होंगे, कौन कौन से कैसे कर रहा है, एस टी यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड छोड़ दो,
के एल एम एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू छोड़ दो, एस एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो एक तो एस वाई आया, उसके बाद आई जे के एल एम एन छोड़ दो, उसके बाद जी जी एच भी आ गया, आया समझ में, क्योंकि जी और एच के बीच में वहाँ भी कुछ नहीं होता, यहाँ भी कुछ नहीं होता, तो जी एच भी लेंगे, उसके बाद अगर चलो एच आई जे के छोड़ दो, इधर तो जाओ एस टी यू वी नहीं छोड़ दो, इधर तो चलो वाई जेड छोड़ दो सर, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस छोड़ो, कुछ नहीं आने का, टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड छोड़ दो, एच आई जे के एल एम छोड़ दो, जी एच आई जे के गए यू भी, आई जे के एल यू भी गया, एस एन एम एस टी यू, एस के साथ एन ही याद आ रहा है, एस के साथ एन ही याद आ रहा है, एस के साथ क्या जाएगा यू आ जाएगा, तो तीन बन गए नहीं बन गए, तो तीन पेयर होंगे इस तरह करके, एक और वर्ड दे रहा हूँ, लास्ट सवाल होगा इसका, हो इसे करके दिखा दो तमीज से, उसमें 64वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर तीन होगा, ये वाला आंसर होगा इसका, सी ओ एन एस टी आई कॉन्स्टी टी यू टी आई ओ एन करो सर, करो सर बताओ कितने जोड़, तो इसे करके देखना ये आराम से हो जाएगा, कम से कम 9 बनेंगे इसमें जाएगा, आया समझ में, तो 9 बनेंगे इसमें जाएगा, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ 65, ये होमवर्क है तुम्हारा, वर्ड बदल रहा हूँ ध्यान से देख लो अच्छे तरीके से, पैरा एम यू टी आई यू एन करते लाना करोगे, अब मैं सवाल का टाइप बदल रहा हूँ, तो युग्म पता कर लोगे, टाइप नंबर 8, आज बहुत सारे सवाल लोग प्रैक्टिस दूंगा करते करने को, क्वेश्चन लिखो, शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश किसे बोलते हैं, डिक्शनरी को, शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना, शब्दकोश के अनुसार यानी डिक्शनरी के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना, शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना, इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हो और मैं बहुत आराम से बताऊँगा प्यार के साथ, डिक्शनरी के रूप में कैसे व्यवस्थित करोगे, शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना, शब्दों को व्यवस्थित करना, क्वेश्चन लिखो, देखो बहुत सारे शब्द दे जाएंगे, मैं पूछेगा ना सबसे पहले कौन सा शब्द आगा, दूसरे नंबर पर कौन सा आगा, देखो पहला आर ओ डबल बी ई आर, आर ओ डबल बी, सबसे छोटा क्वेश्चन है रोबर, आर ओ डबल बी ई आर, दूसरा रॉकेट, आर ओ सी के ई टी रॉकेट, R A N D O M random, D option R E S R E S T R U R A N T restaurant, खाओ खाना बैठ के, इसमें पता करना सबसे पहले कौन सा शब्द आगा, सबसे पहले कौन सा शब्द आगा अगर डिक्शनरी के अनुसार चलन लगे, अब देखो डिक्शनरी के अनुसार कैसे चलन लगे, ध्यान से समझ लेना, हमें पता है यहाँ भी आर आर शब्द, ओ इसमें ओ है, यहाँ ए है, यहाँ ई है, अब बताओ ओ पहला आव या ए पहला आव या ई पहला आवगा, इनमें तो इसका मतलब ये पहले नहीं आ सकता, यो वर्ड पहले नहीं आ सकता, यो पहले नहीं आ सकता, यो आगा पहले, इसका मतलब ये पहले वर्ड नंबर पर आगा, तीसरे वाला पहले, ऑप्शन में कैसे देख रखा था, ऑप्शन में देख रखा
तीन दो एक चार ऐसे देख रखेगा। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन में नहीं है तो पर्सन ही, ऑप्शन ही है कि पहला कौन सा आगा, दूसरे ना बाद कौन था, उसके बाद कौन सा आगा, ऐसे समझ। दो एक तीन चार ऐसे देख रखेगा, तीन एक दो चार ऐसे पर्सन। सुन लो बाद में निकली ऐसा कहीं जा रही है क्या, ये तो पहले नंबर पर ही आगा, आगा अगर नहीं आगा, ए के बाद, ए के बाद, ए के बाद, ए के बाद आना चाहिए ई वाला, तो ई तो इसमें ही मौजूद है, इसका मतलब पक्की बात है दूसरे नंबर पर, जो चौथे नंबर पर ना हो, जो चौथे नंबर पर वो दूसरे नंबर पर, तीसरे के बाद दूसरा आना चाहिए, तो इसके बाद नोन ऑफ दिस, नोन ऑफ दिस, तो तीसरे के बाद दूसरा इसमें है, इसमें है, ये तो वैसे ही कट गया, ये भी वैसे ही कट गया, तो तीसरे के बाद दूसरा इसमें ही है, तो आंसर यही होगा नहीं होगा। हाँ ठीक, अब अग भी चेक कर लियो, सही बात है, अग भी चेक कर लियो, इसमें एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी था, तो ये इस तरह के जो पर्सन होंगे ना, ये ऑप्शन में देख के जल्दी हो जाएंगे, समझे नहीं होगा तुम, ए बी सी डी से क्रम याद होगा, पहले नंबर पर कौन सा आगा वही मुझे सिखाना है, पूरा तमीज से सिखाना है तुम्हें, ध्यान से समझ लो। उसके बाद क्या करोगे, तीन पहले तीन है, तीन वाला पहले भी आगा, पक्की बात हुई, ये चौथे नंबर, ये चार आना चाहिए था ना, तो ये नहीं होने का, इसका अंतर ये होगा, ऐसा समझ लो, ऐसा क्रम बताओ, तो पहले तो आगा तीसरे वाला आगा, फिर कौन सा आगा चौथे नंबर वाला आगा, फिर उसके बाद देखेंगे ओस में भी अभी डिसाइड नहीं कर सकते, अब बताओ बी पहला होगा सी पहला होगा, इसका मतलब ये पहले नंबर पर आगा, पहले नंबर पर आगा फिर दूसरे नंबर पर आगा, ऐसा करके मैनेज करना पड़ेगा, समझे, ठीक, इसे नोट कर लो। टाइप नंबर आठ था, टाइप नंबर आठ का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 66 66 तो शब्द अंत में कौन सा आगा, रॉकेट, हो सकता है ऐसा सवाल दे दो, निम्नलिखित में डिक्स शब्द कोश के अनुसार सबसे अंत में कौन सा आएगा, ऐसा बता सको सवाल, इसलिए कह रहा हूँ बहुत सारे सवाल लोग प्रैक्टिस करियो, याद कर जाएगा, लिखो क्वेश्चन। अगला जो सवाल देने जा रहा हूँ उसमें चार वर्ड, पांच वर्ड लिख रखे इस तरह, अभी इस तरह ऑप्शन दिए जाएंगे उनके, क्वेश्चन लिखो। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला ऑप्शन एस ओ यू एन डी साउंड, लिखा हुआ साउंड, दूसरा लिखा हुआ एस ओ सी के एस, एस ओ सी के एस, सो के सके ये सोक्स, अच्छा तीसरा, इतनी अंग्रेजी अच्छी नहीं आ रहा हमारी यार, एस एच ओ सी के, चौथा ऑप्शन, ये पर्सन चल रहा भी है, शब्द रखे शब्द हैं, ऑप्शन नहीं दिए इसके भी, एस एच ए आर पी, एस एच ए आर पी सार्फ, उसके बाद पूछ रहा है स्नोकर, पांचवें नंबर का व्हाट्सअप दिया, एस एन डबल ओ के आर, डबल ओ के ई आर, ऑप्शन ले लो, चलो करो सर, पहला ऑप्शन पाँच चार तीन तीन एक दो, पाँच चार तीन एक दो, पूछ रहा पहले नंबर पर कौन सा आगा, दूसरे नंबर पर चार तीन पाँच दो एक, चार तीन पाँच दो एक, तीन चार पाँच एक दो, तीन चार पाँच एक दो, चौथा ऑप्शन चार तीन दो पाँच एक, चार तीन दो पाँच एक, ये है क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में पूछ रहा तुमसे कौन सा पहला आ गया, पर सोच लो, दूसरा श्योर हो, स्वर दूसरा सोच लिया, सोचा नहीं, मैं सोचा था तुम हो, एस एस सब में कोई दिक्कत नहीं है, देखो ओह ओह, यहाँ एच यहाँ भी एच यहाँ एन, अब बताओ ओ पहला होगा एच पहला होगा या फिर एन पहला होगा, एच पहला होगा, इसका मतलब जो तीसरे वाला सबसे शुरू में होना चाहिए, तीसरे वाला सबसे शुरू में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अच्छा एस एच, हाँ हाँ रुक जाओ भैया, एस एच इसमें भी एस एच इसमें भी, तो तीसरा चौथा पहले तीसरा चौथा होना चाहिए, पहले नंबर पर क्या तो तीसरा होगा नहीं तो चौथा होगा, क्या तो तीसरा होगा क्या चौथा होगा, यानी सुन तो गया कट, ना तो इसमें तीसरा है ना चौथा है, ऑप्शन के पीछे भाग्य करो कैसे काटना उसे, उसके बाद चलेंगे एस एच इसमें भी एस एच इसमें भी, अब सवाल इन दोनों में कंपटीशन चलेगा,
देखेंगे ना सबसे पहले कौन सा आएगा, एस एच दिक्कत नहीं है, एस एच दिक्कत नहीं है, यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, तो एक उबर ये तो देंगे ना एबीसीडी में ये पहला हो, तो चौथे नंबर का ये चौथे नंबर का पहले लिखेंगे, तो चौथे नंबर का इसम इसम यू भी गया चलट, समझ गए, अगर ऑप्शन ही काटने हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, चलो चौथे नंबर का तो पहले ही आगा, चौथे नंबर का पहला आगा, दोनों में पहला आगा, फिर तीसरे नंबर का दूसरे पे आगा, तीसरे नंबर का दूसरे पे आएगा, अब इन दोनों में कंपटीशन चलेगा, अब इन दोनों में चेक करेंगे एस ओ, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है मुझे, यहाँ तक अभी दिक्कत नहीं है मुझे, अब मुझे पता करना है इन दोनों में यू पहला हुआ सी पहला हुआ, तो दूसरा नंबर बना जाइए दूसरे नंबर को, तो दूसरे नंबर का कौन सा इसमें इसमें कौन सा यू भी क्या, अच्छा एस एन यू पांचवें नंबर का, अच्छा तीन तीन, तो पांचवें नंबर देखो एस, अच्छा ओ ओ पहला हुआ एन पहला हुआ, एन पहला हुआ, तो एन पहला हुआ तो पांचवें नंबर का पहले लेंगे, तो पांचवें नंबर का पहले इसमें इसमें नहीं है, समझे, मुझे दिखाई दिया ना, मैं चार पे देख रहा था, पता लगा कैसा करना, तो ये इस तरह के जो सवाल होंगे ना डिक्शनरी वाले, ये ऑप्शन से जल्दी हो जा, समझ में आया बात, या ए बी सी डी चेक करोगे तो इतना तो चेक कर लोगे, इस तरह के मैं बहुत सारे सवाल भेजूंगा, बहुत सारे, अच्छा जितने मैंने सवाल भेजे ना उनकी सभी पीडीएफ बनाकर तैयार कर लेना, और एक फोल्डर में जाकर डाल देना, समझे नहीं क्या, उनकी एक पीडीएफ बना के दिए, इनकी पीडीएफ बना के भेज देना किसी, उनकी पीडीएफ एक फोल्डर में, रीजनिंग के फोल्डर में वही सेट कर देना, उसे रिवीजन करने में आसान नहीं होगी तुम्हें, है मेरी भेज जी, हाँ जागतों की फोटो भेज रही थी तुम, वो किसका जाग करता हो, कब आया हो, है कल दावत बिंदी दीदी का बच्चा देखा था, देखा नहीं सच में, देख क्यों देखा दीदी का, ये चुप हो, क्वेश्चन नंबर 67 68, चलो क्वेश्चन नंबर 68, ये भी डिक्शनरी वाला करो सभी, नीचे दिए गए शब्दकोश के अनुसार, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें, पर्सन हो लिखने के तुम मुझे पता ना, पहला शब्द दे रखा एल ए एन जी यू ए जी ई, एल ए एन जी यू ए जी ई, दूसरे नंबर का दे रखा, दूसरे नंबर का शब्द दे रखा भाई लिटर एल आई डबल टी, तीसरे नंबर का शब्द दे रखा हमारा एल आई ई, एल आई ई यू टी ई, टी ई एन, टी ई एन, टी ई एन ए एन टी, चौथे नंबर का शब्द दे रखा हमारा भैया एल यू डबल जी ए जी ई, एल यू डबल जी ए जी ई, पांचवें नंबर का शब्द दे रखा भैया लैंडलॉर्ड एल ए एन डी लैंड एल ओ यू आर डी, एल ओ आर डी, लैंडलॉर्ड माने क्या हो, मालिक, भूमि का मालिक, आंसर क्या होगा इसका, चार ऑप्शन दे रखे, पहला ऑप्शन हो सकता है इसका भैया 513 24, 5 1 3 4, 5 1 3 4 2 4, दूसरा 5 1 3 4 2, 1 3 4 2 5, चौथा ऑप्शन 3 4 2 1 5, कौन सा इसका आंसर, कैसे पता लगा, ऐसे ही पता लगा है ही कैसे, एल सब में कोई दिक्कत नहीं है, फिर कंपटीशन चलेगा तुम्हारा एक ही साथ, ए एक इसमें किसी में नहीं है, हाँ इसमें एक में तो होगा या पांच में तो होगा, क्या तो कोई शब्द पहले, क्या तो पांचवा आएगा पहले पर या एक पागा, अब इन दोनों में कंपटीशन चलेगा, तो इन दोनों में कंपटीशन चलेगा एल ए ए एन एन कोई दिक्कत नहीं है, जी पहला आगा या डी पहला आगा, डी पहला आगा, तो इसका मतलब पांचवें नंबर का पहला ना जाइए, तो पांचवा इसमें शुरू में है नहीं ना इसमें है, दो दो ऑप्शन वैसे कटेंगे, समझ गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखेंगे एक फिर पहले ना, ये पहले पा आएगा तो फिर दूसरे पा आएगा, ये एक नंबर वाला पहले दूसरे पा आएगा, अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम दूसरे वाले शब्दों पर चले जाएंगे, इन चेक करेंगे आई पहला होगा यू पहला होगा,
आई पहला होगा, जब आई पहला होगा इसको तो यू पहला होगा, यू पहला होगा, बताओ इन दोनों तो पहला कौन सा होगा, क्योंकि एल आई एल आई, तो यू कैट टी टी तो बहुत लेट आगा, पहले ई आवा ना, तो ई आवा तो पहले यू आगा ई वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला, समझ गए। तो इस तरह के डिक्शनरी वाले कर लोगे, बहुत 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 आवा पेपर में, बहुत सारे पेपर आवा, बार बार आवा ये पेपर, ये समझ में आ बात ये। तो इस तरह के जो सवाल होंगे वो ऑप्शन तो ही होंगे। टाइप चेंज करूं, अरे टाइप चेंज कर दूं, है कर दो जो करना तुझे, चलो ला पिरो दे, अब टाइप नंबर नौ, टाइप नंबर नौ भी बड़ा ही मस्त, इसका नाम है शब्द निर्माण, टाइप नंबर नौ का नाम है शब्द निर्माण, कि शब्दों का निर्माण कैसे होगा, टाइप नंबर नौ शब्द का निर्माण करना, शब्द निर्माण प्रश्न देखते ही समझ में आया कैसा प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन कितने क्वेश्चन होंगे, 69 क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से समझ में आएगा सब क्या लिखा हुआ, लिखो दिए गए विकल्पों, दिए गए विकल्पों में से शब्द को चुनिए, जो नीचे दिए गए शब्द के प्रयोग के आधार पर बनाया गया है, जो नीचे दिए गए शब्द के प्रयोग के आधार पर नहीं बनाया गया है, देखो नहीं बनाया गया है, नहीं बनाया गया है, जो प्रश्न सवाल देखो कैसा, ई टी एच ई टी एच एन ओ जी आर ए एन ओ जी आर ए पी एच आई सी पी एच आई सी, इस तरह का दे रखा शब्द, इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, इसमें तो ऑप्शन चार, चार ऑप्शन दे रखे, इन शब्दों का इन अक्षरों का इस्तेमाल करना और इन मतलब कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, इन दुनिया में आसान सवाल है देख लो, पहला ऑप्शन एच ई आर टी एच ई ए आर टी, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन भाई जी ई ए आर जी ई ए आर, तीसरा ऑप्शन इंग्लिश नहीं है घबराओ ना यहाँ, उसके बाद अर्थ ई ए आर ई ए आर टी एच अर्थ, उसके बाद जी ए आर एम ई एन टी जी ए आर एम ई एन टी, चौथा ऑप्शन जी ए आर एम ई एन टी, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता ना, कैसे पता लगा सुनो कैसा, एच देखो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना जो उसमें आया ना इसमें आना चाहिए, देखो एच है उसमें है एच तो बन जाएगा, क्या देखा ई है उसमें बन जाएगा, ए है उसमें आर है टी भी है, यू बन सक यू बन सक, दोनों पर्सन में पूछा जो सा बन सक, पूछा जो सा नहीं बन सकता, अब देखो जी ई ए आर है इसमें जी है इसमें जी योरा ई ई ई योरा ए है योरा आर योरा यो बन सक है समझ, अर्थ ई भी है उसमें ए भी है आर भी है टी भी है एच भी है जी है इसमें ए भी है आर भी है एम नहीं है इसमें हैम, इसका मतलब यही नहीं बन सकता, इसका मतलब यही इसका आंसर, समझ गए पता लगा कैसा करना, कुछ है ही नहीं कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 ए डी यू ए डी यू ए डी यू एल ए डी यू एल टी ई आर ए
TION TION पर्सन नु पूछ रहा इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, चार ऑप्शन दे रखे। पहला ऑप्शन, बस थोड़ी नजर तेज होनी चाहिए, मछली खाने वाला होना चाहिए इंसान, उसे साफ दिखना चाहिए, एकदम गलत लगा उत्तर। यू आर ई आर ई टी आर ई टी यू आर एन रिटर्न। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रिलेशन आर ई एल ए टी आई ओ एन। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है रिलेट रिटेल। चौथा ऑप्शन टी ओ आई एल ई टी। तू मेरे सवेरों का सब कौन सा नहीं बनाया जा सकता, समझ तो चलो हो गए, सोच लो सारे बन रहे। चलो ठीक, सोच लो, पक्की बात ठीक, पक्की बात आंसर होगा पहला। आर दो बार है उसमें, इसमें आर दो बार है क्या? तो तुम कैसे कह दोगे बनाने, अपने आप उड़ा के ले गया एक बार। मान लो मैंने थारे सामने बहुत सारे वर्ड लिख दिए, एक आर एक बार तो लिखा है, दो बार थोड़ा ही लिखा है, कहा था माथे पे आंख ही नहीं आया ना। गलती हो गई ना, मतलब तो इस तरह के सवाल कर लोगे। शब्द निर्माण करना सीख लिया ना, अब हम ऐसा शब्द, ये तो पता लग चुका मैंने इसमें से बनाया, तो अब ऐसा सवाल जो सवाल सबका ही गलत हो जा, जिस पर थोड़ी सी अंग्रेजी नहीं आती, ऐसे वजह में थोड़ी सी अंग्रेजी नहीं आती ना तो गया हो, एक इंग्लिश के वर्ड दे देगा पूरा का पूरा, और उन्होंने कहा इसमें से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सके जिनका अर्थ होगा वास्तव में, अंग्रेजी दे देगा। अब हमें क्या, इतने सारे वर्ड तो कौन कौन सा वर्ड बन सका चेक करेंगे, तो जिस पर अंग्रेजी नहीं आती उसका अर्थ नहीं पता, क्या कर लगा ऐसे वजह में। ठीक टाइप नंबर 10 लिखो, अर्थपूर्ण शब्द बनाना, अर्थपूर्ण जिसका अर्थ हो, पूरा पूरा अर्थ हो, अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना। प्रैक्टिस करनी पड़े, किताब उठाएगा भाई, यहाँ कितने क्वेश्चन होंगे, 70 70 बनाए हो, लिखो स्टेनलेस एस टी ए आई एन एस टी ए आई एस टी ए आई एन स्टेनलेस एल ई एल ई डबल एस स्टेनलेस शब्द के अक्षरों को प्रश्न लिखो पूरा, शब्द के अक्षरों को, बैंक पीओ में रखा सवाल यू, अक्षरों को, शब्द के अक्षरों को, अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बिना, परिवर्तित किए बिना, समझाऊंगा पहले लिख लो,
के बिना, एक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए, एक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए, एक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए, एक ही बार प्रयोग करते हुए एक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए कितने स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, शब्द बनाए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन दो, दूसरा ऑप्शन तीन, तीसरा ऑप्शन चार, चौथा ऑप्शन पांच से अधिक। मतलब समझो सवाल का, पूरी भाषा बहुत काम की है। कह रहा जो शब्द लिख रखे पूरे के पूरे, ये अक्षर जो लिख रखे हैं ना S T A I N L E double S, इसके इसका क्रम नहीं बदलना, नहीं है आगे का पीछे करके लिख दिया, पीछे करके लिख दिया, कहीं भी लिख दिया करके। यूँ नहीं है कि तुम L तो पहले लिख दिया, N बना लिख दिया पहले, लॉस बना दिया तुमने, मत कुछ और शब्द निकाल लिया आगे पीछे करके, नहीं ऐसे ही चलना, बिल्कुल ऐसे ही बनाना बिल्कुल शब्द, ना किसी को पीछे लिख करके लिखना ना पीछे का आगे करके लिखना। परिवर्तित किए बिना, किए बिना अक्षर को केवल एक ही बार प्रयोग, जो अक्षर एक बार प्रयोग कर लिया वो दोबारा प्रयोग नहीं करना, करते हुए कितने स्वतंत्र साफ साफ अर्थपूर्ण जिनका अर्थ होना चाहिए। देखो स्टेन, एस टी ए आई एन, स्टेन बिल्कुल में सीधा चला, एस टी ए आई एन क्या हो, स्टेन का मतलब स्टीलो, हाँ ये क्या है, एल ई डबल एस स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टीलो, एक शब्द बन गया स्टेन और एक बन गया लेस, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा। अब मेरे पास शब्द ही खत्म हो गए, ये बीच में तो और कुछ लग रहा तुम, टी ए आई एन कोई एक वर्ड हो, ए आई एन एल कोई वो वर्ड है ही नहीं कुछ भी हो, एन एल ई ये भी कोई वर्ड नहीं है, एन एल एस आगे चलना पीछे मत जाना बिल्कुल भी, ना आगे का पीछे करके लिखना। तो दो ही वर्ड लिख रहे, एक तो लिख रहा है स्टेन आया शब्द में और एक लिख रहा है लेस, तो दो ही शब्द मैंने अंतर होगा दो, तो जिस पे इंग्लिश आती है वो भी कर सकते थे। चले एक और दे रहा हूँ सवाल इसके जैसा ही, पी एल ए, पी एल ए डबल 72, पी एल ए डबल एन आई एन जी प्लानिंग, सवाल वही सेम पूरा जगह तू क्या बन सक, पी एल ए एन प्लान, प्लान बना लो बस, मुझे तो इतना चमक रहा है, तुम्हें तो चमक चाहिए आगे कुछ बनना, एल ए डबल एन लीनिंग कुछ नहीं है, ए एन आई एन एन इन कुछ वर्ड हो होता ही नहीं, एन 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 है, मुझे तो प्लान ही चमक रहा है, तुम्हें कुछ और चमक रहा है, कौन सा आई एन खाली कोई वर्ड हो, अर्थ कौन सा, अर्थ क्या है उसका, किस में, जिंदगी में, जिंदगी बर्बाद में, तबाह में, किस में, अर्थपूर्ण स्वतंत्र वर्ड होना चाहिए, स्वतंत्र खाओ वो आजाद वर्ड है, वो बंधा हुआ उन्होंने पता कहाँ से, किस में, जिंदगी में, जिंदगी खराब में, उसने खुद ही लिख रखा देखिए स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द, तो जो मैं शब्द है ना तुझे नहीं पता स्वतंत्र, तुझे पता कौन से में, क्या में, कहाँ में। नुकारी मैं नहीं खेल रही, नुकारी हम नहीं खेल रहे।
एक एक और रहेगा, ग्यारहवें नंबर का टाइप करवाने जा रहा हूँ मैं, समझ। अच्छा इस तरह के सवाल भी लेंगे, छोड़ना मत बिल्कुल भी। आज बहुत सारे सवाल भेजूंगा मैं शब्दों का, जो तार्किक, अब शब्दों का तार्किक क्रम, वो तार्किक क्रम क्या हो, ये इतना आसान है ना। तार्किक क्रम कौन सी चीज पहले आई, कौन सी चीज बाद में आ गई, कौन सी चीज पहले आ गई, कौन सी चीज बाद में आ गई, ये बहुत आसान है, लेकिन बहुत पूछा जाएगा पेपर में, कई परीक्षाओं में लगा तुम्हें, इसकी प्रैक्टिस करो। चलो करो, शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक तर्क होना चाहिए कि यही पहले क्यों आगा। बहुत सारे शब्द देगा, लिखो प्रश्न, प्रश्न लिखो पूरा। निम्नलिखित चार विकल्पों में से, निम्नलिखित चार विकल्पों में से नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम सजाइए, दर्शाइए। कितने प्रश्न, कौन सा प्रश्न, प्रश्न कौन था, निम्नलिखित चार विकल्पों में से नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाइए, सार्थक क्रम दर्शाइए। नंबर फर्स्ट परामर्श, परामर्श पहले नंबर पर क्या होगा, परामर्श आगो या रोग आगो, रोग आगा पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर चिकित्सा आगा, कौन सी चीज पहला आगे मत। हाँ अच्छा, और अभी तो और भी घबरा रही, उपचार, उपचार पहला आगा या पांचवे नंबर पर स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य लाभ। और ऑप्शन क्या दे रखे, ऑप्शन दे रखा, पहला ऑप्शन मैं पूछ रहा पहले नंबर पर आगा क्या है, चार तीन, चार तीन एक, चार तीन दो एक पाँच, दो एक पाँच। दूसरा नंबर बताओ, 234-15, बता सको पहला क्या आगा रहा था, बताओ। सबसे पहले मतलब क्या आगा, सबसे अध्ययन कह रहे सबसे पहले सलाह लेंगे, अरे सलाह तो जब लेगे जब रोग होगा किसी चीज का, सबसे ये बात पक्का पता लगे तुम्हें, रोग आगा पहले, अगर पहले नंबर पर तुमने मान लिया ना रोग आगा, तो ये ऑप्शन गया और ये भी गया, बच गए हो दोनों में। रोग के बाद कहाँ जाओगे तुम, रोग के बाद, रोग के बाद स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा तुम्हें रोग के बाद तुरंत, ये तो हो ही नहीं सकता, उपचार भी, उपचार तुरंत उपचार हो जाएगा जब डॉक्टर के पास जाओगे, दो के बाद तीन, तीन दोनों में, इसका तीन दिन दोनों का पक्की बात है, दो के बाद तो तीन ही आगा भाई, ऐसे बच। अब तुम चिकित्सा चले जाओगे, चिकित्सा के पास तो तुम सलाह लोगे या उपचार करोगे सीधा, पहले उसके साथ परामर्श करोगे, विचार बातचीत करोगे बैठकर, इसका मतलब तुम, तुमने कहा कि तुम पहले नंबर परामर्श करोगे, तुम परामर्श करोगे तो इसका मतलब तुम पहले नंबर पर समाने तो ऑप्शन होगा जो सही, अगर तुमने माना कि तुम पहले तो पहले सीधा दवाई का ट्रीटमेंट करवा दो, कोई सलाह शुरू नहीं है, सीधा ट्रीटमेंट कर दो जा, तो ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत, तो ऐसे सवाल आने ही है तैफिक से, ये किसी बिना रीजनिंग के भी, तो रीजनिंग क्या हुआ, जहां तुम तर्क लगाना पड़ा, नाम ही देखो शब्दों का तार्किक क्रम, तर्क लगा के बताओ, लॉजिक बताओ क्या है, लॉजिक बताओ क्या है, लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इंग्लिश में इसका नाम है लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड, सीक्वेंस ऑफ वर्ड। एक और लिखो, चलो देखते कितना कितने होशियार हो तुम। क्वेश्चन नंबर 74, ये मेरे सबसे फेवरेट क्वेश्चन हो, इनमें पूरी बुद्धि खुल जाना। प्रश्न लिखो पूरा, निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें, निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें, पूरा लिख लो प्रश्न, चेक करो क्या हाल पा रहा हूँ, निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में, सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें, पहले नंबर पर उपन्यास आगा, कुछ भी आ जा, कुछ भी कहीं से कुछ भी ठा लगाओ, उपन्यास, लेखक, तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर पर पुरस्कार, चौथे नंबर पर कथानायक, पांचवे नंबर पर प्रकाशित, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन 532-5-3-2-1-4, दूसरा ऑप्शन, सब कोमा बीच में अदा करना बात यार, दूसरा ऑप्शन भैया 241-53, तीसरा ऑप्शन 2-4
एक तीन पाँच, चौथा ऑप्शन पाँच तीन दो चार एक। बताओ इसमें पहला क्या आएगा? पहला उपन्यास आएगा, लेखक आएगा, पुरस्कार आएगा, कथानायक आएगा, प्रकाशित आएगा, क्या लेखक आएगा पहले? अच्छा तो तुमने कैसे तय कर लिया? क्योंकि सारा इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तुमने पता, तुमने इतना दिमाग लगा लिया, लेखक के बिना कुछ नहीं होने का। पहले लेखक ही आगा, तो लेखक इसमें है नहीं, डिलीट डिलीट क्या, तो इसमें क्या हो ऑप्शन ही अंदर। लेखक के बाद चार चार दोनों में, तो इसका मतलब उसके बाद कथानायक आगा। लेखक के बाद हम कथानायक आगा, जो कथा का नायक, जो कथा के अंदर ना घुसा हुआ स्टोरी में। मान लो मैं लेखक हूँ और मैंने ना किसी को कथानायक बनाया, कथानायक कि जो कथा को पढ़ रहा, कथा के अंदर करैक्टर काम कर रहा, एक्टर की तरह काम कर रहा, वो कथानायक होगा। दूसरे नंबर पर चले चौथे नंबर का, उसके बाद पहले नंबर का उपन्यास। अच्छा कथानायक होगा, कथानायक के बाद क्या होगा? कथानायक के बाद उपन्यास आगा। उपन्यास बहुत बड़ा हो, कथानायक होगा, कथानायक तो किसके भीतर मिलेगा उपन्यास के, तो फिर उपन्यास आगा। तो दो चार एक सम्मान आएगा, उसके बाद क्या आएगा फिर? वो क्या होगा? प्रकाशित होगा, फिर से पुरस्कार मिल जाएगा। अच्छा ठीक, तो कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा होगा उसका आंसर, पुरस्कार सबसे लास्ट में मिलेगा। समझ आई बात? या इससे ऐसे भी सारा कुछ करने के बाद पुरस्कार नहीं मिलेगा, तो सीधा पुरस्कार पे जाकर सोच लेते, पुरस्कार तीसरे में लास्ट में किसने, में इसमें दूसरे में टिक मार देते सोच, है नहीं? तो ये लॉजिक जो लगाना तुम्हें अपना खुद लगाना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल लो मुझे बहुत मजा आओ। देखो मैं अगला सवाल लगाने जाऊँ, तुम्हारी बुद्धि खोल लगा सवाल। चौहत्तर के बाद 75, ऐसे 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 मेरे पास बहुत सवाल, बहुत सवाल, बहुत सवाल। ओ भैया हमारे पास बहुत सवाल है रईस साहब। ठीक है बस एक सवाल और लास्ट। लास्ट सवाल है, कितने सवाल हो गए? 76। आज चैप्टर खत्म होगा ना। 75वां सवाल लगा, 75वां सवाल लिखो। 75वां सवाल ये बहुत आओ पेपर में। पहले नंबर पे बीज आगा, बीज। दूसरे नंबर पे पुष्प आगा, पुष्प। सबसे फेवरेट सवाल है, किसी पेपर में मिल जाएगा तुम्हें। तीसरे नंबर पे मिट्टी आगा। चौथे नंबर पर क्या आएगा? चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर पौधा आगा, पौधा। पांचवें नंबर पर आगा भैया फल। इनका क्रम बताना तुम्हें, तीन एक चार दो पाँच, दूसरा तीन चार पाँच दो, तीसरा एक दो तीन पाँच। बैठ जाओ 5 मिनट। क्या आएगा बीच में? एक भी हाँ, पहले नंबर पर क्या आएगा? सबसे पहले तो मिट्टी आ गई, मिट्टी में कुछ होने का ही नहीं। उसके बाद क्या आएगा? मिट्टी में बीज डाल लोगे, बीज, फिर पौधा खिलेगा, पुष्प आगा, फिर पेपर लाने शुरू हो जाएंगे। तो फेवरेट सवाल है वो, कई परीक्षाओं में, कई परीक्षाओं में। तो इस तरह के सवाल भेज दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? आज मैं इस तरह के बहुत सारे सवाल भेजूंगा, बड़ धड़ 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 ऐसे करके लेके आने, तांडव कर देना तुम। पता कैसे करके तांडव?